नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। मेरा नाम है नितिन और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर मेंस की जो पेपर हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसमें एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, अब एप्टीट्यूड में आपके कौन सी चीज़ें कवर हो गई? आपकी इसमें रीजनिंग भी आती है, ठीक है, इसमें आपका मैथ्स भी आ गया इसमें आपके लिए, और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि जो चार्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, चार्ट्स के आधार पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी। तो मेरा काम यहाँ पर है कि मैं आपके लिए मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन के जो इसमें प्रश्न पूछे गए होंगे उनको यहाँ पे करवाऊंगा। रीजनिंग के प्रश्न आपके लिए धीरज सर थोड़ी ही देर में लेकर के आ जाएंगे। तो आई होप यू वाला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो बारी बारी से हम देखते हुए चलेंगे जो भी मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि कैसे हमें उनको अप्रोच करना था पेपर में। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें एक ये वाला प्रश्न दिखा था, यानी कि जहां पे बाप और बेटे के एज के बारे में जानकारी दी हुई थी। और क्या जानकारी दी हुई है उसको एक बार पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्षों में उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का मतलब होता है प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, आप अपने साथ भी अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठेंगे तो एक ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, चलिए देखिए। यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर उस मैन की एज यानी कि उस बंदे की, उस इंसान की एज में एम ले लेता हूँ और उसके बेटे की वर्तमान एज को मैं बी ले लेता हूँ, तो इनके बीच में क्या संबंध दिया है? यह संबंध दिया है कि जो आज बंदे की एज है, इस मैन की जो एज है वो कितनी है? अपने पुत्र से 24 वर्ष ज्यादा है। तो अगर पुत्र बी का है तो वो बंदा खुद यानी कि वो आदमी कितने का होगा? बी प्लस 24। ठीक है, 24 साल अपने बेटे से बड़ा। इसके बाद दूसरी बात यह लिखता है वो कि अगर 2 साल बाद, यानी कि आप समझिए कि आज अगर आप 20 साल के हैं तो 2 साल बाद आप 22 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मैन 2 साल बाद एम प्लस 2 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आज आप 20 साल के हो, आपका बेटा 2 साल का है, तो 2 साल बाद आप 22 के हो जाओगे, पर आपका बेटा भी 2 साल और बढ़ जाएगा यानी कि वो भी 4 साल का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 साल बाद क्या होगा कि उसका बेटा भी 2 साल बढ़ चुका होगा। ठीक है, अब 2 साल के बाद ऐसी चीज बन रही है कि जो उस बंदे की एज है वो कितनी है? 2 गुनी है यानी कि 2x है अपने बेटे की, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हमें देखना है कि हमें उसके बेटे की वर्तमान आयु यानी कि b की वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, m की जगह आप 24 प्लस b को ही यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 24 प्लस b प्लस ये वाला 2 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 4। ठीक है, एक b तो यहाँ से कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 26। यहाँ पे क्या बचा? b प्लस 4, यानी कि b कितना आना चाहिए? 26 माइनस 4 22। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो बिल्कुल सटीक सही ऑप्शन था। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। हमें हमेशा ऐसे वाले एज वाले प्रश्नों में देखना है कि अगर हम 3 साल पीछे जा रहे हैं तो हमें एज सबकी 3 साल पीछे लेनी पड़ेगी, अगर हम 5 साल आगे जा रहे हैं तो हमें सबकी एज 5 साल आगे लेनी पड़ेगी। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये भी एक मजेदार क्वेश्चन था, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है बी की, और एक इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, मैं इसे यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आपको इक्वेशन क्या दी हुई थी? इक्वेशन कुछ ऐसी दी थी, 5a9 ठीक है माइनस 7b2 प्लस 9c6 इज इक्वल टू 823। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये 5a9 है क्या? ये 5a9 है एक 3 डिजिट का नंबर। 9c6 क्या है? एक 3 डिजिट का नंबर जो 9 से चालू होता है। 7b2 क्या होगा? उसी तरीके से एक 3 डिजिट का नंबर जो 7 से चालू होगा। अब कहीं ना कहीं LHS के पार्ट में ये कैलकुलेशन दी हुई है और RHS के पार्ट में लिखा हुआ है कि इस पूरी कैलकुलेशन की वैल्यू कितनी आएगी? बराबर 823। अब हमसे पूछा गया कि B की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही नॉर्मल एडिशन है, दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, एक चीज़ें घट रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसी को लिखते हैं। 5a9 में क्या ऐड हो रहा है? 9c6 ऐड हो रहा है, और क्या घट क्या रहा है? 7b2। तो ये वाली ऊपर की दो चीजें तो ऐड हो रही है, नीचे वाली चीज क्या हो रही है? घट रही है। तो आप देखिए, 9 प्लस 6 15 में से 2 अगर घटेगा तो कितना बचेगा? 13। तो 3 हम यहां लिखते हैं और 1 को हम क्या करते हैं? कैरी। ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे क्या आ रहा होगा? a+1+c-b है ना, क्या आ रहा होगा? ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस a प्लस
सी माइनस बी बराबर, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर लिखी हुई है, 823 में अगर आप देखोगे तो लास्ट डिजिट 3 था, हमें मिल गया। ये वैल्यू किसके बराबर लिखी हुई है, 2 के बराबर। किसके बराबर, 2 के बराबर। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ कि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो, आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे किसके बराबर लिखी हुई है, 2 के बराबर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस ए प्लस सी माइनस बी की वैल्यू 2 के बराबर लिखी है, पर क्या वो 2 के बराबर होगी, ये हमें खुद से पूछना है। अगर तो वो 2 के बराबर होती तो यहाँ पे क्या होता, 5 प्लस 9 यानी कि 14 में से 7 चला जाता, कितना बचता, 7। पर क्या यहाँ पे 7 है कि 8 है, 8 है। तो अब आपको खुद से सोचना है कि यहाँ 7 है वहाँ 8 है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये, कि यहाँ पे 2 ना रहते हुए 12 रहा होगा और ये जो 1 होगा वो यहाँ कहीं ना कहीं कैरी हुआ होगा, ये 1 जो रहा होगा वो आगे कहीं ना कहीं चढ़ा होगा। तो ऐसे होने पे क्या हमें 8 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, 5 प्लस 9 14 प्लस 1 15, 15 में से 7 गया कितना बचता है, 8। तो हमें ये पता चल गया कि ये a प्लस 1 प्लस c माइनस b 2 नहीं होगा बल्कि 12 होगा, कितना होगा, 12 होगा। अब ध्यान से देखिए, ये एक इधर है उधर लेके चले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो a प्लस सी माइनस बी कितना हो गया, 12 माइनस 1 यानी कि आप इसको 11 लिख लीजिए। अब क्या हो गया, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, b की सबसे बड़ी वैल्यू को यहाँ पर लेकर के आना है कि b ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो सकता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं a को और c को, क्योंकि डिजिट है वो, डिजिट सबसे बड़ा कौन सी हो सकती है, 9 हो सकती है, इससे बड़ी तो कोई सिंगल डिजिट हो नहीं सकती। तो मैं अगर इन दोनों को 9 रखता हूँ तो क्या होगा, 18 माइनस बी इज इक्वल्स टू 11। ध्यान से दो मिनट देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो इससे हमें b की वैल्यू कितनी आती है, 7। अब आप बोलेंगे सर 9 रख लीजिए ना b की वैल्यू। दोस्तों अगर 9 हम b की वैल्यू रखने जाएंगे तो ऐसी कोई a और c की वैल्यू हम रख ही नहीं पाएंगे जो कि सूट करे। बोलने का क्या मतलब है, देखिए a और c की आप तो मानेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू हम 9 रख सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई वैल्यू रख नहीं सकते। अगर मैं बोलता हूँ दोनों को 8 रख के देखिए, तो अगर आप दोनों को 8 रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए, 16 माइनस बी बन जाएगा कितना, 11। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो 5 बड़ी है कि 7 बड़ी है, आप बोलेंगे 7 बड़ी है। अगर मैं बोलता हूँ कि आप इसको रख लीजिए 8 और 9, तो आपके लिए क्या होता, 8 और 9 माइनस बी इज इक्वल्स टू 11, यानी कि अब कैसी चीज़ें बनती, 17 माइनस बी इज इक्वल टू 11, यानी कि बी की वैल्यू क्या आती है आपके लिए, 6। तो आप देखो कि जितनी बड़ी हम a और c की वैल्यू रख रहे हैं उतनी ही बड़ी हमें b की वैल्यू मिल रही है, यानी कि 9 और 9 रखा तो b की वैल्यू 7 मिली। अगर हमने इनकी वैल्यू को घटाया, 8 और 8 करा, तो b की वैल्यू भी घट गई, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे 1 की वैल्यू घटाई, 1 की वैल्यू सेम रखने दी, तो भी हमारी b की वैल्यू घटती हुई दिख रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू b की क्या आ सकती है, 7। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन सी 7 आपका सही उत्तर यहाँ पर है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी हमने पेपर में बनाया होगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, कम बच्चों ने बनाया होगा, तो ये इसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत आसान प्रश्न था, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4 और उसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है, यानी कि परिमाप भी 104 दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कितने सेंटीमीटर की रही होगी, ध्यान से देखिए। अभी क्या दिया है, 1/2:1/3:1/4, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो रेशियो है यानी कि ये जो अनुपात है, ये भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि बटे में दिया हुआ है। तो इसको अगर साधारण तरीके से मुझे लिखना है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, 12। तो ये क्या हो गया, यहाँ 2 है, ऊपर आ जाएगा 6, ठीक है, नीचे आ गया 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 3 है, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे बन गया 12। यहाँ पे 4 है, ऊपर क्या आ जाएगा, 3, नीचे आ गया 12, ठीक है। अब जब आपका बटे सेम आ जाए तो आप इनको काट सकते हैं, यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि जो 3 साइड्स हैं उनका रेशियो क्या है, 6:4:3। अब सब कोई बच्चा बता देगा कि जो 3 है वो सबसे छोटे साइड को रिप्रेजेंट करेगा, जो 6 है वो सबसे बड़े साइड को दर्शाएगा, ठीक है। तो आपके लिए साइड्स हो गए 6x, 4x और 3x। कहीं ना कहीं जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, यानी कि सारे साइड्स को जब आप जोड़ देते हैं तभी आपको परिमाप मिलता है। तो 6x+4x+3x यानी कि 13x की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें कितनी दी हुई थी, 104।
अगर 13x 104 के बराबर है तो x कितने के बराबर होगा, देख लीजिए 8 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 8। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या रही होगी, जो सबसे बड़ा साइड रहा होगा वो कौन सा था, जो 6 को दर्शाता है यानी कि 6x। तो 6 × 8 यानी कि 48 आपका सबसे बड़ा साइड रहा होगा, तो 48 सेंटीमीटर सही उत्तर था। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था कि सबसे छोटा साइड क्या होगा, तो 3x यानी कि 3 × 8 24 सबसे छोटा साइड रहता। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीजें धीरे धीरे हमें समझने आ रही। आगे क्या लिखा है, एक 30 मीटर लंबे और 16.5 मीटर चौड़े आयतकार यानी कि रेक्टेंगल, ठीक है रेक्टेंगल आंगन को पाटने के लिए 2.5 मीटर × 2 मीटर आयत के कितने फर्श के टुकड़े लगेंगे। इंग्लिश में भी मैं ऐसे रिपीट कर देता हूँ, हाउ मेनी पेविंग ब्लॉक्स ऑफ साइज 2.5 मीटर × 2 मीटर आर रिक्वायर्ड टू पेव अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 30 मीटर लॉन्ग एंड 16.5 मीटर वाइड। ये प्रश्न दोस्तों हमारे बचपन के प्रश्न से मिलता जुलता है, यानी कि हम सबने वैसे प्रश्न किए हैं कि अगर ये इतना बड़ा कुछ भी है, आंगन है आप बोल लीजिए, ठीक है कोर्टयार्ड है, आंगन है, इतनी बड़ी जगह है, इसके अगर अंदर हमें टाइल लगानी है, ठीक है इसके अंदर अगर हमें टाइल लगानी है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम एरिया को यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, एरिया को यूज कर रहे हैं, ना कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर को नहीं यूज कर रहे हैं। पेरीमीटर को तब हम यूज करते हैं जब हम इसके बाउंड्री पे काम करते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर टाइल लगा रहे हैं यानी कि इस पूरी जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अगर पूरी इस पूरी जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम एरिया का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आयत का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया हम सभी को पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो जो वो आयत बड़ा सा दिया हुआ है उसका एरिया कितना रहा होगा, 16.5 × 30। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया, कितना आ गया, 30 × 16.5। अब जो ब्लॉक्स है, जो ब्लॉक्स यूज होंगे वो कितने मीटर के, कितनी चौड़ाई के हैं, देखिए तो जो ब्लॉक्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं हैं 2.5 × 2 के, राइट। तो अब हमें पूछा गया है कि ऐसे कितने ब्लॉक्स लगेंगे जो इस पूरे एरिया को भर देंगे, इस पूरे रेक्टेंगल को भरेंगे, तो मुझे नहीं मालूम, तो मैं समझता हूँ कि शायद n ब्लॉक्स लगने दीजिए। ठीक है, तो n ब्लॉक्स लगने दीजिए इस पूरी रेक्टेंगल को यूज करने में, इस पूरे रेक्टेंगल को यूज करने में। ठीक है, तो अब देखिए ये n कितना आएगा, 30 × 16.5, और ये ब्लॉक यहाँ मल्टीप्लीकेशन में नीचे लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, एक ब्लॉक खुद कितना है, 2.5 × 2 का, 2.5 × 2 का, तो ये आप 2.5 × 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये 2 कट गया यहाँ पे 15 से, 2.5 के टेबल में आप 15 कब ला पाएंगे, 6 गुना। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें क्या बन रही है, 16.5 × 6। देखिए 16.5 × 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 16.5 क्या हुआ, 33/2 × 6, तो ये चीज़ हो गई, 3 से कट गई, 99 आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए 99 आपका सही उत्तर है। तो आई होप ये वाला प्रश्न भी हमसे पेपर में बना होगा, ये सारे प्रश्न बहुत आसान है, हम आराम से इन सब प्रश्नों को पेपर में कर सकते थे। देखिए 65वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज बट विथ हिज फ्रेंड ही कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, इन व्हाट टाइम कैन हिज फ्रेंड डू इट अलोन। यानी कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है अगर अकेले काम करे, लेकिन अपने मित्र के साथ वह उसी कार्य को करने में 3 दिनों में पूरा कर लेता है, उसका मित्र उस कार्य को अगर अकेले करेगा तो कितने समय में कर लेगा। ध्यान से देखिए, वहां पे जगह नहीं थी, मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, वो जो बंदा ए, ठीक है, ये अगर अकेले काम करता है तो 5 दिन में कर लेता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका दोस्त भी अगर इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि ए और बी अब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 3 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप मिलके काम करेंगे, दो जन काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि काम कितना था, तो हम मान लेते हैं काम था 5/3, 5 × 3 यानी कि 5 × 3 = 15। ठीक है, अब देखिए अगर 15 यूनिट काम था और ए 5 दिन में 15 यूनिट काम कर लेता है, यानी कि ए 5 दिन में 15 यूनिट काम कर लेता है, तो ए 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 15/5 यानी कि 3। यानी कि अगर मैं एक बहुत साधारण सा एग्जांपल दूं आपको, कि आप अगर 5 दिन में 15 चॉकलेट खत्म कर लेते हो तो आप 1 दिन में कितनी चॉकलेट खा रहे होगे, 3। ठीक बात है,
अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं तो अगर 3 दिन में 15 काम कर लेते हैं तो 1 दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 5। यानी कि 3 दिन में अगर आप 15 चॉकलेट खा लेते हो तो हर दिन आप 5 चॉकलेट खा रहे होंगे। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि ए 1 दिन में कितने यूनिट काम कर पा रहा है, 3 यूनिट, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, ए और बी मिलके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी मिलके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, जिसमें से ए जो है वह तो 3 चॉकलेट अपनी खा लेगा क्योंकि उसकी क्षमता क्या है प्रतिदिन खाने की या काम करने की, 3 यूनिट की, तो वो तो 3 यूनिट का काम कर देगा। बाकी का जो 2 यूनिट बचा होगा वो कौन करेगा, वो उसका दोस्त करेगा। वो कौन करेगा, वो उसका दोस्त करेगा, यानी कि बी करेगा। तो बी अगर काम करने बैठता है तो 1 दिन में 2 यूनिट काम कर लेता है। अगर वह पूरे काम यानी कि ये पूरा 15 यूनिट का काम अकेले करने बैठेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, 1 दिन में आप 2 चॉकलेट खा रहे हो, 15 चॉकलेट खाने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे, 15/2 यानी कि 7.5 दिन। इसी को आप 7/1/2 भी लिख सकते हैं। क्या यह ऑप्शन में दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, ठीक है। तो आई होप ये वाला प्रश्न भी हमने पेपर में बनाया होगा। चलिए देखिए आगे, इफ 50% ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। यानी कि 50% का मतलब क्या होता है, 50/100 यानी कि हाफ बोल सकते हैं, ठीक है। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100, 30/100, 30/100 यानी कि इसको 3/10 बोल सकते हैं हम, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। अब क्या लिखा है कि 50% ऑफ x माइनस y यानी कि हाफ ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 30% ऑफ x प्लस y यानी कि 3/10 ऑफ x प्लस y, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 2 से आप इसको 10 को काटिए, 5 आ जाएगा। इस 5 को हम ऊपर की तरफ भेज देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x-5y इज इक्वल्स टू 3x+3y, यही आएगा, ठीक है। अब x वाली चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं, y वाली चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं, ये माइनस था इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 8y आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएंगे, ये वाली चीज़ यहाँ प्लस थी यहाँ आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2x, ये कटा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू 4y है, x इज इक्वल्स टू कितना है, 4y। इस 4 को नीचे पटक दीजिए, ये क्या आ जाएगा, 1/4x इज इक्वल टू y, यानी कि x का 1/4 y के बराबर है। x का 1/4 1/4 × x, ऐसे आप लिख लीजिए अपनी आसानी के लिए, ये किसके बराबर है, y के बराबर, यानी कि x का 1/4 y के बराबर है। और 1/4 किसको हम कहते हैं, 1/4 हम कहते हैं 25% को, 1/4 हम किसको कहते हैं, 25% के। तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो 25% x इज y, यानी कि 1/4 x का वो y जितना होता है। यहाँ पे दोस्त ने गलत मार्क करा हुआ है 30, ठीक है, ये मेरे दोस्त का ही प्रश्न पेपर है, ठीक है, सही उत्तर होगा 25%। तो आई होप ये वाला प्रश्न भी हमसे पेपर में बना होगा। अब ध्यान से देखिए दूसरा प्रश्न, 67 पे आते हैं। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 meters इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वह ट्रक 550 meters चल लेती है, जबकि एक बस जो है वो 33 किलोमीटर चलती है 45 मिनट में, 33 किलोमीटर चलती है 45 मिनट में। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, यानी कि दोनों की स्पीड का, गति का अनुपात हमें बताना है। तो 2-3 तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो, मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे बेसिक चीज यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि सबको सेम यूनिट में लाते हैं, यानी कि या तो हम मिनट में ही कन्वर्ट कर लें या चीजों को अलग तरीके से फिर आर में लेकर भी कन्वर्ट करी जा सकती है। ध्यान से देखिए, अगर हम मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो मुझे मालूम है कि ट्रक कहीं ना कहीं 550 मीटर चलती है कितनी देर में, 1 मिनट में, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 550/1 meters per minute, ठीक है, क्योंकि अनुपात लेना है हमें गति का, तो यूनिट जो भी आप रखेंगे कट जाएंगे, यूनिट जो भी आप रखेंगे कट जाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें किलोमीटर पर आर ही लेना है, क्योंकि हम अनुपात लेते हैं, जब भी हम अनुपात लेते हैं जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो इसकी कितनी आ गई गति, यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई ट्रक की, 550/1 यानी कि 550 meters per minute, ये आप बोल सकते हैं, ये किसकी आ गई, स्पीड ऑफ ट्रक। अब हमें किसकी देखनी है, बस की भी स्पीड देखनी है, स्पीड ऑफ बस कितनी होगी, ध्यान से देखिए। स्पीड ऑफ बस निकालने के लिए हमें मालूम है कि हम 33 किलोमीटर चल रहे हैं,
कितनी देर में, 45 मिनट में। तो 33 किलोमीटर को तो आप सबसे पहले लिख देंगे 33,000 मीटर, और ये कितनी देर में तय कर रहा है, ये तय कर रहा है 45 मिनट में, ठीक है, ये तय कर रहा है 45 मिनट में। तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 33,000 मीटर बटे 45 मिनट, ये आ गई क्या स्पीड ऑफ बस, ये क्या आ गई स्पीड ऑफ बस। अब हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रक और स्पीड ऑफ बस यानी कि दोनों की गतियों का अनुपात लेना है। तो जब हम इनका अनुपात लेंगे, देखिए मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा ध्यान से देखिए, 550 बटे 33,000 बटे 45, ठीक है। तो जब आपको डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर दिखे तो यह क्या आ जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये चीज अब कैसी दिखेगी, ये चीज अब ऐसी दिखेगी, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम ऊपर लेकर के चले जाते हैं तो ये अब ऐसा दिखेगा आपको, 550 इंटू 45 बटे 33,000, ठीक है। देखिए ये एक जीरो आप काट कर दीजिए, ठीक है, 55 यानी कि 11 पंजे 55 होता है, और 11 के टेबल में 3 आता है 33, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, यहाँ पे 2 जूनियर और है, 3 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो ये 15 कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ऊपर है 15 5 यानी कि 75, और नीचे 2 जून्य है यानी कि 100, तो ये किसको दर्शाता है, 75 बटे 100, ये दर्शाता है 3 बटे 4 को, ये किसको दर्शाता है, 3 बटे 4 को, 3 बटे 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहा होगा। ये एक तरीके से, इसको और भी तरीकों से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने सबसे सरल तरीके से बताने की कोशिश करी है, ठीक है। आप चाहें तो और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके उसको आर्स में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, पर हमें समझना है कि हमें जब भी अनुपात निकालना होता है तो बटे में कट जाती हैं चीजें, यानी कि यूनिट्स कट जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न भी हो गया, इसके बाद हम देखते हैं ये वाली चीज थी, ये वाला प्रश्न मुझे लग रहा है बहुत सारे जनों ने गलत करा होगा, 68 नंबर पे जो आया था। क्या है प्रश्न, एक बार देख लेते हैं। अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट, देन एट व्हाट स्पीड इज द ट्रेन ट्रेवलिंग। यानी कि ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट को गिन लेता है, यदि हर खंबे के बीच में 50 मीटर की दूरी रही होगी तो वह ट्रेन की गति कितनी थी। यहां पे क्या होता है ध्यान से देखिए, बच्चा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे एक आपने खंबा देखा, एक खंबा आपने यहां पे देखा, एक खंबा आपने यहां पे देखा, ठीक है, आप यहां पे थे, आप यहां पे थे, ठीक है, तो आपने खंबे 3 देखे और मैं बोल रहा हूं इनके बीच में 50-50 मीटर की दूरी है, ठीक। तो अब आप मुझे बताइए, जब आप तीनों खंबे देख लेंगे तो आप खुद को कैसे पाएंगे, आप देखेंगे आप शायद इस जगह को पार कर रहे होंगे, अब आप इस जगह को पार कर रहे होंगे, अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक आपने कितनी दूरी तय की है, आपने कितनी दूरी तय की है, आपने तय किया ये 50 मीटर और ये वाला 50 मीटर, यानी कि कुल मिला के आपने कितना तय किया, 100 मीटर। तो इन 100 मीटर में ही आपने 3 बार खंबे देख लिए। हम क्या करते हैं, हमारे से गलती क्या होती है, हम देखते हैं अच्छा 3 खंबे हैं, तो एक काम करो, लो बताओ 3 × 50 150 मीटर कर लो, ये सबसे बड़ी गलती है, ये गलत है, ये गलत है। देखिए 3 खंभों के बीच में 2 बार ये दूरी आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी कि 21 खंभों के बीच में 20 बार ये दूरी आएगी, 20 बार यह दूरी आएगी, ठीक है, तो 20 बार यह दूरी आएगी और हर प्रत्येक दूरी कितने मीटर की है, 50, यानी कि हर बार जो वो खंभों के बीच की जगह है वो कितनी है, 50-50 मीटर, कितनी है, 50-50 मीटर, राइट। तो 20 × 50 यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। तो कहीं ना कहीं जो बंदा ट्रेन में बैठा है वो क्या कर रहा है, 1000 मीटर चल जाता है, 1000 मीटर चल जाता है, कितनी देर में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो उसकी स्पीड क्या होगी, 1000 मीटर पर 1 मिनट। बट यहां पे हम अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो वो किस तरीके से लिखे हुए, वह लिखे हुए किलोमीटर पर आर में, वह क्या लिखे हुए, किलोमीटर पर आर। तो हम भी कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए 1000 मीटर प्रति मिनट आ रहा है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में आप कितना काम कर रहे हो, 1000 मीटर चल जा रहे हो,
तो 60 मिनट में आप कितना काम करोगे, दोनों तरफ 60 से गुणा कर दो, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि 60 मिनट में यानी कि एक घंटे में कहीं ना कहीं आप कितना चल रहे हो, 1000 × 60 यानी कि 60,000 मीटर, 60,000 मीटर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अब मीटर को आप किलोमीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर, तो 60,000 मीटर कितना होगा, 60 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं आप एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हुई, आपकी स्पीड हुई 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। कई बच्चों ने यहां पे 63 लिखा होगा जो कि एक गलत उत्तर है, यहां पे आपका कायदे से उत्तर आना चाहिए था ऑप्शन सी 60 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे दोस्त ने भी गलत लिखा है, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहां पे होती हैं गलतियां, पर हमें बेसिक चीजों को समझना है और अंडरस्टैंड करके ही आगे बढ़ना है। देखिए 69 नंबर प्रश्न को एक बार देखते हैं। Which of the following values of x and y satisfy the following equations? यानी कि 3x plus y is equal to 19 और x minus y is equal to 9। तो सबसे easy, इसमें पेन ही नहीं उठानी, जिसमें पेन उठानी नहीं तो उसमें अपन क्यों इतना पाप करें इसको उठाने का, है ना। ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन ही आप डाल के देख लीजिए, ऑप्शन ए सीधा डल जाएगा 7 माइनस ऑफ माइनस टू 9, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या आ रहा है, 7 और -2। आप इसमें भी डाल के देख लीजिए, 3 × 7 से गिरी है 21, 21 - 2 19, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। जहां मेहनत नहीं करनी वहां पे हमें जल्दी जल्दी काम आगे करते हुए बढ़ना है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या लिखा है, था सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 8.7, 7.6, 6.5, 5.4, -4.3, -2, यानी कि 8.7 माइनस में 7.6, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं आप अपने साथ पेपर लेकर के बैठे तभी आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगी, ठीक है। अंदर ये वाली चीज क्यों दी हुई है, ध्यान से देखिए, ये डैश क्यों दिया था अंदर, समझने की कोशिश करिएगा। वह बताना चाह रहा है कि ये 4.3 और 2 साथ में है, क्या है, साथ में है। तो 4.3 माइनस 2 को पहले हमें काम करना है, और वो हम कैसे करेंगे, 4.3 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 2.3, ठीक है। अब 5.4 में से अगर 2.3 चला जाएगा कितना बचेगा, खुद सोच के बताइए, 3.1, कितना बचेगा, 3.1। अब आप देखिए 6.5 में से अगर 3.1 चला जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 3.4, कितना बचेगा, 3.4। अगर आप 7.6 में से 3.4 चला जाएगा कितना बचेगा, 4.2। अब अगर 4.2 यानी कि 8.7 में से 4.2 चला जाएगा कितना बचेगा, 4.5। आपका उत्तर क्या आएगा, 4.5, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब ध्यान से देखिए 71वां नंबर, ये भी काफी बच्चे छोड़कर आए हैं प्रश्न, जबकि बहुत आसान है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। क्या लग रहा है यहां पे, देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, आपको क्या क्या दिया है, मीन दिया है, कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। आपको मोड दिया हुआ है क्या, नहीं, आपको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है, आपको 32 दिया हुआ है। तो 30 मीन 32 मीडियन, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मोड बताइए। तो हमें एक चीज ये पता रहनी चाहिए कि मोड कितना होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, 3 मीडियन - 2 मीन। तो मोड आपसे पूछा है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 3 मीडियन यानी कि 32 × 3 = 96, 32 × 3 कितना होगा, 96, माइनस 2 मीन यानी कि 2 × 30 कितना होगा, 60। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 36। तो जो आपका मोड आएगा वो क्या आएगा, 36, ऑप्शन सी, ठीक है। ये सब तुरंत बनाने वाली चीजें थी, इनके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं थी। अब ये वाला प्रश्न देखिए, ये हमने क्लासरूम में बहुत बार किया हुआ है, आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो तुरंत बताएगा, ठीक है। इसका सीधा आंसर होता है 4, इसका सीधा आंसर होता है क्या, 4। मैं समझा भी देता हूं, जो बच्चा नया है उसको भी समझने आना चाहिए। ये क्या लिखा है, a + b होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में क्या लिखा है, a - b होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहां से चीजें क्या क्या खुलेंगी, a² + b² + 2ab खुलेगा, और कुछ खुलेगा क्या, नहीं, उतना ही खुलेगा। माइनस में यहां पे चीजें क्या खुलेगी, अंदर a² + b² - 2ab, ठीक है। अब जब इस ब्रैकेट के बाहर का माइनस खुलेगा तो देखिए a² से - a² कट जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का ब्रैकेट खुलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -a² - b² + 2ab, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, b² + -b² से कट जाएगा, ये 2ab जो प्लस में था और ये 2ab भी अब प्लस में आ गया, तो ऊपर क्या बचा, 4ab। और नीचे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो
ए इंटू बी, क्या दिया हुआ है ए इंटू बी, यानी कि ये ए प्लस बी लिखा है, ये ए माइनस बी का स्क्वायर लिखा है और नीचे क्या लिखा है ए इंटू बी। हमें पता चल रहा है कि ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है फोर ए बी और नीचे क्या आ रहा है ए बी। तो ये मैंने शॉर्टकट्स आपको क्लासरूम में कराए हुए हैं, तो इसका सीधा उत्तर होता है फोर, इसका सीधा उत्तर होता है क्या फोर। ठीक है, प्लस में भी आते हैं ऐसे वाले प्रश्न और माइनस में भी, दोनों टाइप आपको कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं मान के चल रहा हूँ 72 हमने पेपर में बनाया हुआ, दोस्त ने बनाया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 73 नंबर वाला प्रश्न। अ वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ फोर आर्टिकल्स ऑन सेलिंग 36 आर्टिकल, हिज लॉस परसेंटेज इज, यानी कि एक विक्रेता को 36 वस्तुओं को बेचने पर चार वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। ध्यान से देखिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न, इसको भी बच्चों ने गलत किया, मैं बता रहा हूँ क्यों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है, हम मानते हैं कि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की रहने दीजिए एक रुपए, सबसे आसान। ठीक है, तो 36 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 36 रुपए। अब जब वो 36 आर्टिकल बेच देता है, 36 सामान बेच देता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे 36 रुपए पे, तो उसे क्या हो रहा है, 4 रुपए का घाटा हो रहा है। 4 रुपए कैसे आया, क्योंकि एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी थी एक रुपए, और उसे कितने का घाटा हुआ, 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, ये कितना होगा 4 इंटू एक रुपए, इसीलिए ये चीज क्या लिखी है मैंने 4 रुपए। तो अगर मैं 36 रुपए का काम कर रहा हूं, बेच रहा हूं, ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरी टोटल कितनी हो गई 36 रुपए, और इस पे मुझे लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है मुझे 4 रुपए का। तो कहीं ना कहीं आप अब ध्यान से समझिए और अपने अंदर के विक्रेता को बाहर निकालिए और सोचिए कि ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा मेरे दोस्त अगर 40 रुपए की मेरी लागत है। ठीक है, 40 रुपए की अगर मेरी लागत है तभी मैं बोलूंगा कि यार 4 रुपए घाटे पे काम किया, 36 रुपए की ही मेरी सेल हुई। ठीक है, क्या बोलोगे आप, 40 रुपए आपकी लागत है, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस 40 रुपए है, लॉस आपका 4 रुपए है, तब आप बोलोगे हाँ यार तब जाके तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है, 36 रुपए हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है कितनी 40, क्या हमें लॉस पता है हमारा कितने रुपए का है 4, तो लॉस का परसेंटेज क्या होता है, लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 4 बटे में 40 इंटू 100, यानी कि 10% हमारा सही उत्तर था, 10% लॉस में हम काम कर रहे हैं, कितने में काम कर रहे हैं 10% लॉस, ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी हमसे फिर बनना चाहिए, अगर नहीं बना है तो आगे के लिए सीख लो समझ लो। ठीक है, बहुत जरूरी है पेपर में, प्रॉफिट लॉस यानी कि हानि आती ही है। अब देखिए 74 नंबर वाला, ठीक है, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, फला फला डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछा है कि यह चीज जो एंगल बनेगा जो यहाँ पे, कौन सी चीज में, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी, यानी कि रॉयल्टी पर होने वाले खर्चे से संबंधित भाग, रॉयल्टी पे खर्चा होने वाले संबंधित भाग, यानी कि ये वाली जगह, ठीक है, का केंद्रीय कोण कितना है, का सेंट्रल एंगल कितना है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो एक आप बात समझिए कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त है, तो हमें मालूम है कि इस पूरी जगह पे अंदर कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पूरा अंदर कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। कहीं ना कहीं अगर आप इन सब का जोड़ लगाएंगे तो आपको मालूम है ये कितना है 100%, ये कितना है 100%। तो अगर 100% चीज 360 डिग्री एंगल को दर्शाती है तो 1% कितने को दर्शाएगी, 1% दर्शाएगी 3.6 को, 1% कितने को दर्शाएगी 3.6 को। आप इसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10% कितने को दर्शाएगी, 10% दर्शाएगी 36 डिग्री को, 10% कितने को दर्शाएगी 36 डिग्री को, 5% कितने को दर्शाएगी, 5% दर्शाएगी 36। अब देखो 10 को बटे 2 करोगे तो 5% आ जाएगा, तो 36 को भी बटे 2 करना पड़ेगा तो कितना आएगा 18 डिग्री को। तो आपसे पूछा है कि ये रॉयल्टी वाला कितना दर्शाएगा, तो रॉयल्टी वाला खुद है कितना 15%, 15% को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 10+5%, बिल्कुल लिख सकते हो, तो 10 दिखा रहा था 36 को, 5 दिखा रहा था किसको 18 को, तो आपके लिए आ गया 54 डिग्री, 54 डिग्री। यहाँ पे 15 डिग्री बहुत ही गलत आंसर है, 15 तो परसेंटेज है, जब डिग्री में करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, 54 डिग्री हमारा सही उत्तर है।
ठीक है, इसी को आप अपने अलग तरीकों से भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 15% क्या होता है, 15% होता है 15/100, इसका मतलब क्या हुआ 3/20, यानी कि अगर ये पूरी चीज, अगर ये पूरा एंगल 20 है तो 15% कितना एंगल होगा 3, पर मुझे मालूम है कि ये जो पूरी 20 चीज 20 है ये खुद किसको दर्शाती है 360 डिग्री को, तो एक यूनिट कितने को दर्शाएगा, एक यूनिट दर्शा रहा है 18 डिग्री को, ठीक है। तो तीन यूनिट किसने को दर्शाएगा, तीन यूनिट दर्शाएगा 3 × 18 यानी कि 54। तो ये भी एक शॉर्टकट था, पर मैं वैसी चीज बता रहा हूं जिससे आपका लॉजिक भी बने, ये एक शॉर्टकट है अपने में ही, आप देखेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन सी 54 ही आना चाहिए था, ठीक है। चलिए, नहीं आता था तो अब सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ध्यान से देखिए 75वां प्रश्न को देखिए, यहाँ पे हमें लाइन ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि लाइनें बनी हुई हैं और वो कुछ दर्शा रही है, क्या दर्शा रही है ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम y एक्सिस में देखते हैं यानी कि इस खड़ी वाली लाइन पर देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि कितनी व्हीकल बन रही है हजारों में, यानी कि कितना उत्पाद हो रहा है, कितनी संख्या में उत्पाद हो रहा है गाड़ियों का। जब हम x एक्सिस में यानी कि सोई हुई लाइन में जाते हैं आगे तो हमें क्या दिखता है, कौन से ईयर में 1997 से लेकर 2002 तक किस साल कितनी गाड़ी का प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि हर साल कितनी गाड़ियां बनी है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताइए वर्ष 2000 में कितनी, वर्ष 2000 में कंपनी Y का उत्पादन उसी वर्ष में कंपनी X के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Y इन द ईयर 2000 वाज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि अंदाजन व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X इन द सेम ईयर। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए, जो डॉटेड लाइन है यानी कि ये बिंदु वाली जो लाइन है वो किसको दर्शा रही है, Y को दर्शा रही है, ठीक है। एक्स वाली जो कंपनी है वो कौन सी लाइन है, ऐसी वाली सॉलिड लाइन, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है जो कंपनी वाई है बात उसकी कर रहा है किसके संदर्भ में, इसकी बात कर रहा है एक्स के संदर्भ में, ठीक है। और कौन से साल में बात कर रहा है, बात कर रहा है सन 2000 में। तो ध्यान से देखिए सन 2000 की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी एक्स जो है वो बहुत कम प्रोडक्शन कर रही थी, कितना कर रही थी 78, ठीक है, कंपनी एक्स कितना कर रही थी 78, जबकि उसी सेम साल में अगर 2000 में मैं देखता हूं तो कंपनी वाई कितना कर रही थी 128, कितना कर रही है 128। तो अब यहां पे मेरे लिए बहुत आसान हो गया काम, यानी कि हमें बताना है जो वाई है वह एक्स का कितना प्रतिशत है। तो हम कैसे बताएंगे, वाई की बात हो रही है हम उसको ऊपर लिखेंगे, कंपेयर किससे किया जा रहा है, किससे, किसके वनस्पत देखा जा रहा है, एक्स के वनस्पत, यानी कि किसके संदर्भ में देखा जा रहा है, एक्स के, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी 128/78 × 100। अब आप पूछेंगे सर ये तो पेपर में, फिर हमारे पास कैलकुलेटर रहा नहीं रहा तो कैसे काम होगा। तो दोस्तों देखिए आपको ना बहुत तेजी से काम करना है, कैसे काम करेंगे, देखिए हमसे क्या बोला है, अंदाजन बता दो, अप्रोक्सीमेटली अंदाजन बता दो। तो अगर मैं 128 को मान लूं 125, अब आप बोलेंगे सर 125 क्यों मान रहे हैं, ध्यान से देखिए क्योंकि हमें अंदाजन करना है तो हम थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो हम 128 को मान लेते हैं, 125, 78 को मान लेते हैं 75, तो क्या अब हमारे लिए काम आसान नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5, 5/3 × 100, ये किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है 166.67% को, 166.67% को। तो क्या कोई उत्तर ऐसा है जो 166 के पास है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी 164 ही वैसा उत्तर है अंदाजन जो 166 के पास है, वरना आपको कैलकुलेटर के पास जाना पड़ेगा। पर ये सारी चीजें, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, तभी पेपर में चीजें जल्दी जल्दी बनती हुई नजर आएंगी। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। चलिए ये तो प्रश्न आपका फिर रीजनिंग का आ गया है, ठीक है। इसमें दूसरा वाला देखिए, 77वां वाला प्रश्न देखिए, ये भी खैर इजी प्रश्न था। यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर, वही सेम प्रश्न है जो अभी हमने पीछे किया रॉयल्टी वाला। इसमें पूछा गया द रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, यानी कि पुस्तक पर रॉयल्टी छपाई की लागत से कितना कम है, और ये प्रतिशत में बताना है। ध्यान से देखिए रॉयल्टी कहीं ना कहीं कितनी है, 15%, ठीक है, और जो प्रिंटिंग है वो बताना कितनी है, 20%।
मैं बोलता हूं कि टोटल खर्चा ही 100 रुपए रहने दो, ठीक है, टोटल खर्चा ही 100 रुपए लेने दो, तो उस टोटल खर्चे जो कि 100 रुपए का टोटल खर्चा है, रॉयल्टी पे कितना खर्चा होगा 15%, तो 15% 100 का कितना हुआ 15 रुपए, तो 15 रुपए खर्चा आप किस पे कर रहे हो, रॉयल्टी पे। प्रिंटिंग में कितना खर्चा कर रहे हो 20%, यानी कि 20 रुपए, तो आप देखिए रॉयल्टी का आपका खर्चा कितना है 15 रुपए, ठीक है, ये 15 रुपए रॉयल्टी का खर्चा है, और प्रिंटिंग का खर्चा कितना है 20 रुपए, ठीक है, ये प्रिंटिंग का खर्चा है, ये रॉयल्टी का खर्चा है, तो प्रिंटिंग का खर्चा रॉयल्टी के खर्चा इसके बीच का अंतर कितना है 5 रुपए का, कितना अंतर है 5 रुपए का, ठीक है, ये पूरी चीज 20 है, ये पूरी चीज 15 है, इसके बीच का अंतर कितना हुआ 5 रुपए, तो आपको मालूम है। अब यहां पे आपको बताना है कितना कम है, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज बताना है, कितनी घटौती है, कितना कम प्रतिशत है, तो हमें मालूम है 5 कम है, किसके बनस्पत 20 के बनस्पत, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहां पे आपकी उत्तर आएगी 25%, कितनी 25%, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन 25% बाय प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है, तो पुस्तक पर रॉयल्टी छपाई की लागत से कितना प्रतिशत कम है 25% कम आएगा, ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक अभी तक चीज़ें हम आराम आराम से करते जा रहे हैं कि जैसे आपको भी चीज़ें बेहतर तरीके से समझने आती रहे। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ये वाले प्रश्न में निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में कंपनियां एक्स तथा वाई के उत्पादन के बीच अंतर अधिकतम है, यानी कि मैक्सिमम डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस है, मेरे ख्याल से ये सब बच्चों ने किया होगा, ध्यान से देखिए, अगर इस चार्ट को आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कहीं पे 20 है, कहीं पे 21 है, फिर 41 मिलता है, फिर हमें कहाँ मिलता है ईयर 2000 में, यानी कि सन 2000 में हम देखते हैं 128 है, किसकी 128 थी वाई की, जबकि एक्स की उसी साल कितनी थी 78, यानी कि 50 का अंतर, तो 50 का अंतर सबसे बड़ा था, 20, 21, 41, 50, 13 और 11 में सबसे बड़ा अंतर क्या है 50 का, तो ये कब हुआ था सन 2000 में, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए ये कैलेंडर का है, इसमें आंसर आपका मंडे ही आएगा, खैर ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच कितना अंतर है। अब यहाँ पे बच्चा टाइम वेस्ट करता है, क्यों टाइम वेस्ट करता है ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें दी हुई है, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप जब तक अपना प्रश्न का पेपर साथ लेकर के नहीं बैठेंगे तब तक ये चीजें अच्छे से नहीं समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको क्या देखना है कि टोटल अंतर कितना है, ठीक है, टोटल अंतर कितना है आप वो देखना है, तो आप मान लीजिए कि भाई मैं देखूंगा x का y से अंतर, यानी कि x माइनस y, या आप देखना चाहते हैं तो y का x से अंतर निकाल लीजिए, ठीक है, जो आपकी मर्जी आप वह निकाल लीजिए। अब यहां पे मुझे मालूम है कि ये वाली जो गाड़ी लाइन है वो y को दर्शाती है, और ये जो बिंदु वाली लाइन है वो x को दर्शाती है, कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पे क्या करता है, पहले पूरे x को जोड़ लेता है, x1, x2, x3, x4 सबको जोड़ लेता है, मेहनत करता है, फिर क्या करता है सारे y को जोड़ लेता है, y1, y2, y3, y4, फिर क्या करता है इसको जोड़ने में मेहनत, इसको जोड़ने में मेहनत, फिर दोनों का माइनस करता है, दोनों का अंतर निकालता है, तो ये बहुत समय लेगा, ये बहुत समय लेगा, इतना समय रहेगा नहीं हमारे पास पेपर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बहुत आसानी से, ध्यान से देखिएगा, हम सीधा अंतर अंतर ही निकालते जाएंगे, यानी कि हम x का अगर y से निकाल रहे हैं तो हम सीधा अंतर यहाँ पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, और y का x से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ 139 और 19, यानी कि यहाँ पे अंतर कितना हो गया 20 का, ठीक है, प्लस 20 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगले साल क्या हो रहा है, 120 और 99, 120 और 99 कितने का अंतर आ गया 21 का, तो अभी 20 का अंतर 21 का अंतर जुड़ते जा रहा है, ठीक है, फिर क्या हो गया, अब अचानक से y ऊपर चला गया और x नीचे आ गया, और इनके बीच में कितना अंतर है 100 और 141, यानी कि अब अंतर तो 41 है, पर मैं x के बनस्पत पे निकाल रहा था, यानी कि अभी तक x ऊपर था तो मैं प्लस लिख रहा था, x ऊपर था तो प्लस लिख रहा था, अब x नीचे आ गया तो मैं क्या लिखूंगा माइनस 41,
तो ये पूरी कैलकुलेशन देखिए खुद ब खुद कटती जाएगी। इतना आसान था यह प्रश्न। अब इसके आगे क्या हो गया, एक्स फिर से ऊपर आ गया, एक्स देखिए फिर से ऊपर आ गया, 128 और 78 यानी कि कितना हुआ अंतर, 50 का अंतर आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाई फिर से छलांग लगाता है ऊपर जाता है, ये 120 और ये 107 है यानी कि अब अंतर घट गया 13 हो गया, ठीक है। इसके बाद वाई फिर से ऊपर है तो हम माइनस में लिखेंगे कितना, 159 और 148 यानी कि 11 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पे बात इतनी समझ में आ रही है, ये तीन चीज तो 20, 21 और 41 कट गई आपस में, 50 में से कितना गया 24, तो कितना बच गया 26। और ये जितनी भी वैल्यू आपकी आ रही है ये क्या है, हजारों में, ये क्या है हजारों में, हजार में, तो 26 आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, 26,000 का अंतर है। क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ऐसे काम करना है चुटकियों में, आपके पास पेपर में इतना समय नहीं रहेगा कि इतने बड़े बड़े नंबर जोड़ते हम बैठेंगे, ठीक है। चलिए ये तो सिलोगिज्म का प्रश्न है, सर आपका करा देंगे वो। 82 नंबर प्रश्न देखिए, टू बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी, यानी कि दो बस की टिकटें ए से बी शहर जाने की, ठीक है, वो हमें मालूम नहीं है कितने रुपए की है, और तीन टिकटें ए से सी शहर जाने की, ठीक है, तो दो इसकी टिकट, तीन इसकी टिकट, ठीक है, कितने रुपए की पड़ती है, 77। तो मैं बोलता हूँ ए से बी जाने की जो टिकट है वो एक्स रुपए की रहने दो, और जो ए से सी जाने की टिकट है वो वाई रुपए की रहने दो। तो दो टिकटें कितने की हो गई, 2x की, और तीन टिकटें कितने की हो गई, 3y की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2x यानी कि दो टिकटें ए बी वाली और तीन टिकटें ए सी वाली, इसका जोड़ कितना आ रहा है, 77, ठीक है। ये पहली चीज हमारे लिए बन गई। दूसरी चीज क्या दी हुई है कि दो टिकटें अगर अब मैं ए बी की लूं और तीन टिकटें ए सी की लूं, यही तो लिखा है, ठीक है, दूसरे में, अच्छा उल्टा हो गया, क्या हो गया यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर अब दो टिकटें ए सी की ली जाए और तीन टिकटें ए बी की ली जाए, तो अगर अब ए बी की आप तीन टिकटें लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ए सी की दो टिकटें लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि ये क्या है, 3x, और ये क्या है, 2y इज इक्वल टू कितना, 73 रुपए लिखा है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए बहुत सारे मेथड है इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ये वाली चीज को गुणा 3 से कर दो, इसको गुणा 2 से कर दो, आपका x सेम आ जाएगा, फिर आप पहले y निकालिए फिर आप x निकाल सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। जब भी आप ये 2 और यहाँ 2 देख रहे हो, यहाँ 3 और यहाँ देख रहे हो, यानी कि आपको अदला बदली दिख रही है, तो सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, दोनों को पहले जोड़ लीजिए। तो दोनों को आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, 77 और 73 कितना होता है, 77 और 73 होता है 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 5-5 कॉमन ले लीजिए, 30 आ गया, ठीक है। x प्लस वाई अगर 30 आ गया तो सीधा अब आप सॉल्व करिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 77 में डालने की कोशिश करिए, ठीक है। इस पूरी चीज को 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो गई 2x प्लस 2y, ये पूरा कितना, 30 इंटू 2 हो गया 60। तो अब आपके लिए देखिए, अब इनको माइनस करिए आप, ठीक है, अब इनको आप माइनस करिए, तो 77 में से 60 गया कितना बचा, 17। 2x में से 2x गया कितना बचा, 0। 3y में से 2y गया कितना बचा, y। तो y की वैल्यू आ रही है 17। y अगर 17 आएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि बाद में जो चीज लिखी है वो एसी की टिकट लिखी है, और एसी की टिकट हमने कितने की मानी थी, y की, तो 17। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, 13। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने y प्लस x कितना निकाला था, 30 निकाला हुआ था, y अगर इसमें 17 आ गया है तो x कितना आएगा, x आएगा 13, ठीक है, x आएगा कितना, 13। तो 13 और 17 दोनों आप निकाल सकते हो, तुरंत निकाल जाएंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और कुछ है गणित के प्रश्न, ठीक है, रीजनिंग वगैरह के भी प्रश्न बहुत आसान थे। चलिए एक ये वाला प्रश्न एक बार देखते हैं, 95 नंबर का। और कुछ, एक ये वाला प्रश्न था, ठीक है, एक इसको देखिए पहले, 300, 387, 876, 176, 285, 721, 937। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर केयरफुली एंड आंसर द questions given below. In each number, when we added 1 to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit, then which number will be the lowest? यानी कि यदि सभी संख्याओं के विषम अंक यानी कि odd अंकों पे 1 का जोड़ लगाया जाए
और सम अंकों में यानी कि इवन संखों में दो घटाया जाए तो कौन सा अंक सबसे छोटा होगा। सबसे पहले अगर 387 की बात करूं तो इसमें विषम अंक कौन सा है, तीन, तो वो क्या एक से बढ़ जाएगा, हाँ, तो वो क्या बन जाएगा, चार। इसमें सम अंक कौन सा है, आठ, तो वो क्या दो से घट जाएगा, हाँ, तो वो कितना बन जाएगा, छः। सात क्या विषम है, हाँ, तो वो कितना बन जाएगा, आठ। तो पहला नंबर जो 387 है वो कितना बन जाएगा, 468 के बराबर। ये कितना बन जाएगा, 468 के बराबर। दूसरे नंबर को इसी तरह देख लो, 876 है। 876 कैसे बनेगा, मैं शॉर्टकट में भी बता सकता था कि आंसर 285 होगा, क्यों, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, 876 में क्या होगा, ये इवन है तो दो से घट जाएगा, छः इवन है घट जाएगा, सात एक से बढ़ जाएगा, तो बीच में आठ आएगा, पहले छः आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, चार। तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सारे तो बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं, हमें क्या देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। अब ध्यान से देखिए, कई बच्चे यहाँ पे 176 मार्क करके आए होंगे। 176 में मेरी जान आपको ये समझना है कि ये जो एक है ये ऑड है तो ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे तीन आ जाएगा, यानी कि ये 300 कुछ नंबर होगा, ठीक है। सच सच बताऊं तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये एक हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा मुझे, ये एक से एक जुड़ेगा दो बनेगा, ये एक जुड़ेगा आठ बनेगा और ये यहाँ से दो घट जाएगा, तो 284 बन रहा है। कितना बन रहा है, 284। तो बच्चे इसको मार्क करके आते हैं। अब ध्यान से समझिए, सबसे सही उत्तर था 285। क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 285 पहला ही नंबर सम अंक है यानी कि इवन अंक है, तो ये क्या होगा, दो से घट जाएगा, तो यहाँ जीरो आ गया। बल्कि अब आपको क्या मिल रहा है, आठ वाली चीज, ये भी सम अंक है यानी कि ये भी दो से घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये खुद में छः हो जाएगा। ये पाँच क्या है, ऑड नंबर है, तो ये एक से बढ़ जाएगा, छः आ जाएगा। तो 66 तो दो डिजिट का नंबर है, बाकी सारे जितने डिजिट के नंबर आएंगे आपके तीन डिजिट के आएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था तुरंत भी बच्चा यहाँ पे कर सकता था समझदारी से, ऑप्शन डी 285 को मार्क कर सकता था। आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया है, पर अगर हमें मार्क करना था तो 285 आप तुरंत भी कर सकते थे, ठीक है। 285 सही उत्तर है उसका, कुछ छूट गया है पीछे तो देख लेंगे एक बार। चलिए इस चीज को देखिए, ठीक है, ये सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ये पेपर में कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, हमें भी पता नहीं चलता है, ठीक है, हमें भी पता नहीं चलता, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरीके का कुछ प्रश्न पूछ लेगा सेट थ्योरी से, पर ध्यान से देखिए, आसान है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये कोई चीज ए है और ये कोई चीज बी है, ठीक है, तो ए कितना होता है, ए मतलब ये पूरी चीज जितने में ए है, यहाँ पे जहां पे अभी मेरी पेन चल रही है पूरा ए होता है, ठीक है। अब अगर कोई बोल दे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, कोई बोल दे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, इसको कई बार ए बार भी लिखा जाता है, तो वो कितना होगा, पूरी वो चीज जो ए को छोड़ के है, पूरी वो चीज जो ए को छोड़ के है, तो इतनी ही चीज है जो पूरा ए को छोड़ के है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हमें पता है तो इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया है, ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी वह पूरी चीज होगी जो बी और सी में आती होगी, जो बी और सी में पूरी आती होगी, जो बी और सी में पूरी आती होगी। ये क्या हुआ, ये हो गया बी यूनियन सी। पर हमें क्या बी यूनियन सी निकालना है, नहीं, हमें बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट देखना है। तो बी यूनियन सी अगर ये पूरा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो इसको छोड़ के पूरी बाकी की चीजें हैं, इसको पूरा छोड़ के जो पूरी बाकी की चीजें हैं, तो इसको छोड़ के पूरी बाकी की कितनी चीजें हैं, 3x+1+2x-1, ये पूरी चीजें हैं। और इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 20, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 20, तो कहीं ना कहीं 5x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। अब आगे हमसे क्या पूछा है, आगे हमसे पूछा है b इंटरसेक्शन c बताइए। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है यानी कि जब भी हम ऐसी चीज कर दे, ये ऐसी चीज होती है जो दोनों में समान है, यानी कि अगर ये b है पूरा और ये सी है पूरा, तो इनके में समान क्या है, इनके में समान क्या है, इस वाले में बनाता हूं और यहां से फिर वैल्यू ले लेंगे। ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा बी है, ठीक है, ये पूरा सी है, तो क्या ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों में नहीं आ रहा है, आप खुद ही देखिए, ये एक ऐसा हिस्सा है जो बी में भी है और जो सी में भी है,
तो वो कितना है 3x माइनस वन प्लस 2x, कितना है 3x माइनस वन प्लस 2x यानी कि 5x माइनस वन। तो कहीं ना कहीं 5x की वैल्यू हमें मालूम थी 20 है, 20 में से एक चला गया, कितना बचेगा 19। क्या ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी आपके लिए क्या है? सही उत्तर। तो ये बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, ऐसे पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपसे भी ये बने होंगे या आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करा होगा तो आपकी मदद ज़रूर हुई होगी। आपको कुछ डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा रहा हो।